पूर्व रणजी खिलाड़ी एवं जोन चेयरमैन मुरादाबाद जोन विजय गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया कि आज अवस्थी मेमोरियल कमेटी द्वारा आयोजित अवस्थी मेमोरियल प्राइज मनी क्रिकेट टूर्नामेंट में सोनकपुर स्टेडियम के मैदान पर टीए क्रिकेट अकेडमी व रामपुर क्रिकेट अकेडमी के बीच खेला गया। टीए क्रिकेट अकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 34.2 ओवर में 190 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम के लिए अजहरुद्दीन सैफी ने 43 व यश अग्रवाल ने 40 रन बनाए। रामपुर के लिए गेंदबाजी में रोहित ने 4 व कुणाल ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए रामपुर की टीम ने 35 ओवर में 3 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम के लिए विपिन आर्य ने नाबाद 87 व गगन विर्क ने 53 रन बनाए। गेंदबाजी में टीए के लिए अजहरुद्दीन सैफी ने 2 विकेट लिए। इस तरह यह मुकाबला रामपुर क्रिकेट अकादमी ने 7 विकेट से जीत लिया। अंपायर की भूमिका में निश्चल चहल व रईस हसन रहे। स्कोरर श्रीकांत व विनय रहे। मैच के दौरान पूर्व रणजी खिलाड़ी एवं डीएसए सेक्रेटरी विजय गुप्ता, क्रिकेट कोच बद्रुद्दीन सिद्दीकी, अमन लिट, संजय अग्रवाल, अजय विक्रम पाठक, यश शुक्ला, शिवम गांगुली रहे। क्रिकेट कोच मोहम्मद बद्रुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि अवस्थी क्रिकेट टूर्नामेंट समय समय पर आयोजित होता है, जिसमें खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। इस टूर्नामेंट का समापन 25 मार्च को किया जाएगा और विजेता टीम को धनराशि देने के साथ साथ प्रोत्साहित करने के लिए काम किया जाएगा। उद्देश्य यही है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। ये अवस्थी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट है जो हर साल होता है हमारे यहाँ, और ये कल से शुरू हुआ है और ये 26 तारीख तक चलेगा। कितनी टीमें इसमें भाग ले रही हैं? इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं और सब मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और मुरादाबाद की टीमें हैं इसमें। कितने ओवर का मैच रहेगा इसमें? क्या ये 40-40 ओवर के मैचेज हैं इसमें सारे? कितने ओवर मतलब कितने मैच खेले जाएंगे एक दिन में? एक दिन में एक ही मैच होगा 40 ओवर का, क्योंकि मैच है तो नॉकआउट टूर्नामेंट है 8 टीमों का, तो क्वार्टर फाइनल चल रहे हैं और इसके बाद फिर सेमीफाइनल और फाइनल। तो क्या उद्देश्य है पूरे टूर्नामेंट का? उद्देश्य ये रहता है हमारा कि भाई बच्चों को अच्छी क्रिकेट मिल सके, बड़ी क्रिकेट। हम इसलिए 40-40 ओवर के मैचेस कराते हैं क्योंकि आजकल 20-20 पे ज़्यादा जोर रहता है, तो ये टूर्नामेंट हमेशा से 40 ओवर का होता हुआ आया है और पिछले 50-52 साल से टूर्नामेंट लगातार हो रहा है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को अच्छी क्रिकेट दे सकें। तो समापन पे क्या बच्चों को पुरस्कार है? क्या देखिए इसमें 25,000 विनर को प्राइज़ है और 20,000 रनर को प्राइज़ है, और इंडिविजुअल प्राइज़ वगैरह अलग हैं जो, और बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज़, वो प्राइज़ सब अलग दिए जाते हैं। क्या मानते हैं ऐसे टूर्नामेंट से क्या खिलाड़ियों को मौका मिलेगा? देखिए लाभ बहुत होता है ऐसे बड़े टूर्नामेंट आप खेलें, 40 ओवर के आप मैचेस खेलें, तो आपका पता चलता है, पेशेंस का पता चलता है आपका, कि आप जो अब 2-3 साल से क्रिकेट बंद पड़ा था बिल्कुल, अब इस साल सीज़न शुरू होना है, तो अब उसमें अच्छा रहेगा कि बच्चों को ये टूर्नामेंट मिल जाए खेलने को 40 ओवर का, तो आने वाले जो ट्रायल आने वाले हैं उसमें उनको फ़ायदा होगा।